दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। ये पिछले दिनों वंदे भारत का यह दूसरा रेक इंदौर पहुंचा था, तो मैंने आपसे पूछा भी था कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि यह कहां का रेक है। मैंने आपसे गैस करने का कहा था। कुछ लोगों ने दोस्तों इसे इंदौर जयपुर वंदे भारत बताया था, कुछ लोगों ने इसे इंदौर सूरत वंदे भारत बताया था, और जो कुछ लोगों ने उसे ये कहा था कि इंदौर नागपुर का रेक है। तो इंदौर नागपुर का तो इसलिए संभव नहीं कि इंदौर भोपाल के बीच में जो ऑलरेडी जो फर्स्ट रेक जो इंदौर को अलॉट हुआ था, तो सेम ट्रेन को जो है वो नागपुर तक एक्सटेंड किया गया है, तो उसमें कोई एडिशनल रैक नहीं लगना था। तो वो वही रैक जो है वो अब भोपाल की बजाय नागपुर तक जाके लौट रहा है सेम डे। तो दोस्तों, ये जो रैक है इसके बारे में जो छन के खबरें आ रही हैं वो ये है कि जो 14 तारीख को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो मैच होना है, जो क्रिकेट मैच होना है, ये उसके पहले ये स्पेशल जो है वो इंदौर या भोपाल से चलाई जाएगी। अभी हालांकि इसका कोई अधिकृत शेड्यूल नहीं आया है, लेकिन माना यही जा रहा है कि ये 13 को जो है वो इंदौर से चल सकती है, और फिर उसके बाद में जब ये वर्ल्ड कप फाइनल होगा अपने नवम्बर में, तो फिर ये नवम्बर में भी एक बार जो है वो इंदौर से चलाई जा सकती है। और ऐसी ही ट्रेनें जो हैं दोस्तों वो कुछ जयपुर और अपने मुंबई वगैरह से भी प्लान की जा रही हैं, जो कि वंदे भारत के रैक से चलाई जाएंगी। अभी आगे इसमें जो भी अपडेट होगा दोस्तों मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगा। और दूसरा ये कि जहाँ तक सूरत यानी उधना और जो जयपुर वंदे भारत का जो दोस्तों सवाल है, वो गैस मैं आपको बता दूँ कि ये बिल्कुल सही है। आने वाले महीनों में इंदौर से सूरत के लिए एक नई वंदे भारत चालू होना है, और इसके साथ ही इंदौर से जयपुर के लिए भी एक वंदे भारत चलना है। ये दोस्तों, ये मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से ये मेरा मानना है कि यह रेक जो है वो इंदौर को अब दे दिया गया है, और आने वाले महीनों में इसे सूरत और जयपुर के लिए प्लान किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक ही रेक से दोनों ट्रेनें कैसे चलेंगी, तो दोस्तों ये ऐसे चलेंगी। मुझे हायर अथॉरिटीज़ से जो मुझे जानकारी मिली है कि सूरत और जयपुर के लिए सप्ताह में तीन तीन दिन जो है वो वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी हो रही है। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल जो है ये रूप से चलाई जाएगी, यदि इन ट्रेनों को अच्छा ट्रैफिक मिलता है तो एक डेडिकेटेड जो रैक है वो दोनों ट्रेनों को दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी थी जो मुझे आपके साथ शेयर करना थी, और इसलिए ये मैंने वीडियो पे वॉइस ओवर करके ये मैंने वीडियो वापस तैयार कर रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, ये ज़रूर शेयर कीजिएगा ये जानकारी, और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आगे भी ऐसी नई नई जानकारियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और बहुत जल्दी हम लोग कुछ दाहोद लाइन वगैरह और जो महू सनावत गेज कन्वर्शन का भी हम लोग जो रिव्यू करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा। और कैसी लगी आपको दोस्तों ये जानकारी, और आपका और क्या सजेशन है वंदे भारत ट्रेन को लेके, ये आप ज़रूर बताएं दोस्तों। वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।